गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शरीश कुमार यादव, सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिकनिया से, और मैं आपके सामने आऊँ क्लास फिफ्थ के सोशल का चैप्टर फिफ्थ जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसमें हमने कल इस लास्ट लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और आपने ये पढ़ा कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपके किस किस एरिया में पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो आइए हम बात करते हैं वहाँ के पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बारे में। देखिए, सबसे पहला आपका है फ्लोरा। फ्लोरा आपका कहते हैं, इसकी लिटरल मीनिंग होती है पौधे। तो इसका देखिए डिफिनेशन में क्या है, द प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, किसी एक निश्चित प्लेस या क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ठीक, देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आल्सो नोन एज डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट का मतलब घना, डेसीडियस का मतलब घना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, पता ही है। ये बहुत ही घना जंगल है, हैव ए लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ट्रीज बढ़ते हैं, उगते हैं। ट्रीज ऑफ दिस रीजन शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, इसमें जो आपके जितने भी ट्रीज हैं सबके पत्ते धारण करने का समय अलग अलग होता है। देयर फोर द फॉरेस्ट रिमेन्स एवरग्रीन, इसीलिए यह फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहता है, मतलब हमेशा यहाँ पे हरियाली रहती है। द टर्म रेन फॉरेस्ट गिव टू देम बिकॉज देम एज दे थ्रिव ऑन हैवी रेनफॉल, यानी जो आपका ये रेन फॉरेस्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो आपके जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो थ्रिव करते हैं, मतलब डिपेंड हैं अपनी ग्रोथ के लिए ऑन हैवी रेनफॉल यानी बारिश पे। द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन ऑफ सेवरल लेयर्स, इस फॉरेस्ट की अब कई सारी लेयर्स हैं, ठीक, और हर लेयर की आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। द लोएस्ट लेयर द कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर, यानी सबसे लोएस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज्ड लीफ एंड फ्रूट्स दैट फॉलन फ्रॉम द अपर लेयर, यानी इसमें जो आपके जो लीव्स, जो डेड लीव्स होती हैं और जो पेड़, जो अपर लेयर से जो फ्रूट्स गिरे रहते हैं वो डिकम्पोज फॉर्म में आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन दिस रीजन इज वेरी पुअर, यानी इस क्षेत्र में आपका प्लांट्स की ग्रोथ होती बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि इट ट्रीज रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सनलाइट बहुत कम आती है। द लेयर अंडर स्टोरी, और उसके बाद देखिए फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे तो आपकी अगली लेयर कौन सी है, अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी में लेयर में आपके वैसे छोटे पौधे पेड़ पौधे हैं, जैसे क्रीपर्स, लताएं हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियां हैं, ऑर्किड्स, कुछ फूल वूल हैं, ये सब आपके अंडर स्टोरी में आपके लेयर में आते हैं, जो पूरी डेवलप नहीं होते। ठीक, आप उस लेयर के ऊपर आते हैं, अंडर स्टोरी के ऊपर आपको देखिए क्या, द लेयर अवे फ्रॉम फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक लेयर, यानी अंडर स्टोरी के ऊपर जाएंगे तो आपका जो लेयर है वो उसका स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक है, अम्ब्रेला के जैसे है, जिसे हम लोग कैनोपी कहते हैं। कैनोपी मतलब छत्रीनुमा लेयर। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर हैज बी टॉलेस्ट ट्री एंड इट इज नोन एज इमर्जेंट लेयर, जो नेक्स्ट लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर है वो आप उसमें आपके सबसे लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं जिनको हम इमर्जेंट लेयर कहते हैं। इमर्जेंट लेयर देखिए इसे कहते हैं हिंदी में आकस्मिक परत। आकस्मिक परत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो ट्रीज पेड़ होते हैं इनका डेवलपमेंट कह सकते हैं आप बहुत ही चौंकाने वाला होता है, इसीलिए हम इसको इमर्जेंट लेयर कहते हैं। दिस लेयर रिसीव्स ए लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन, यानी इस लेयर में ही सबसे ज्यादा सनलाइट और रेन इसको प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फौना। फौना आपका हो जाएगा पेड़ पौधे, माफ करिए इसका सॉरी ये हो जाएगा आपका एनिमल्स। तो इसका डिफिनेशन में आप कहेंगे द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, इसमें आप कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से पाए जाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं, जीव जंतु। ठीक, द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, यानी आपके रेन फॉरेस्ट में कई प्रकार के जानवर रहते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो आपके जमीन पे और पानी दोनों पर रहते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, स्तनधारी, ठीक, ये सब आपके रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द डिफरेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल, यानी जितने भी आपके वर्ल्ड में रेन फॉरेस्ट हैं वो उसमें आपके सब में एनिमल्स की पॉपुलेशन सब में डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है।
अब फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अमेजन रेन फॉरेस्ट, अब बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की, ठीक, जो आपके साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, इसमें आपके देखिए साउथ अमेरिका में इसमें आपके क्या क्या पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में, एनाकोंडा एक तरह का सांप होता है, जीको, जीको एक तरह किसी बड़ी छिपकली होती है, और ट्रॉन्टुला आपका कह सकते हैं एक बड़ी बकड़ी होती है प्रजाति की, जो बहुत बड़ी होती है और बहुत ही जहरीली होती है, ट्री फ्रॉक्स, ठीक, ट्री फ्रॉक्स हो गए, और आपका इगुआना, इगुआना भी आपका एक आप कह सकते हैं एक प्रकार का ये पेड़ पर रहने वाला जीव है, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं मकड़ी होती है। आगे देखिए अगला है आपका कांगो बेसिन, कांगो बेसिन आपका कहाँ पाया जाता है, कांगो बेसिन आपका पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एंड द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के जो हिस्से हैं जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, आपके अंडमान निकोबार के पास के एरिया, ठीक, इसमें आपके देखिए कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, गोरिल्लास, गोरिल्ला पाए जाते हैं, चिंपैंजी पाए जाते हैं, औरंगटम पाए जाते हैं, वन मानुष पाए जाते हैं, इन वाटर यानी वाटर में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, एलिगेटर्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, स्नेक, सांप और टर्टल्स, कछुए आर फाउंड पाए जाते हैं, ए लार्ज वेराइटी ऑफ फिश इज ऑल्सो फाउंड, और यहाँ पे कई प्रकार के कई डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों की फिशेज भी पाई जाती हैं, कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यहाँ पे, यानी यहाँ पे बहुत रंग बिरंगे पक्षी और कई तरह के कीड़े मकौड़े पाए जाते हैं, सच एज टुकुना, ठीक, टुकुना है टुकन्स आपका, ये एक प्रकार का पक्षी है फल खाने वाला जिसकी चोंच लंबी होती है, और ये पैराकिट्स आपका किस तोते को कहते हैं, और मकाऊ में आप देख रहे हैं, देखें वाटर में आपके एलिगेटर्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, एलिगेटर्स मतलब घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप और कछुए, और आपकी बहुत सारी वैरायटी की फिश भी यहाँ पे पाई जाती है, कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज टुकन्स आपकी क्या कह सकते हैं, एक तरह की आपकी रेन कह सकते हैं, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होती है वहाँ पे पाई जाने वाली एक चिड़िया होती, चिड़िया कहते हैं, और पैराकिट्स आपका एक टाइप का तोता होता है, मकाउस भी आपका एक टाइप का आपका पैरट ही होता है, और हमिंग बर्ड भी आपकी जो सबसे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट चिड़िया होती है उसको हमिंग बर्ड कहते हैं, एंड पैरट्स और कई प्रकार के पैरट्स और ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ यानी और कई प्रकार के पर्स ये सब आपके इस जंगल में कैसे हिस्से इसके इस इन सब फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ आपके पक्षियों के नाम हैं। तो आज हमने पढ़ा कि इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होती है, इक्वेटोरियल जो एरिया होता है वहाँ के जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा और फौना मतलब जीव जंतु, वहाँ पे कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, कैसे कैसे आपके प्लांट्स पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन लाइफ ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेसेस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।